वानखेड़े स्टेडियम के बाहर से आ रहे ये नज़ारे आप सभी को आज के मैच के लिए उत्साह से भर देने के लिए काफी हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 अपने सेमीफाइनल राउंड में पहुंच चुका है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच घमासान बस कुछ ही समय में छिड़ने वाला है। भारत समेत पूरे विश्व के क्रिकेट प्रेमियों में इस मैच की बेसब्री साफ तौर पर देखी जा सकती है। होपफुली हम वन साइड ही जीतेंगे, क्योंकि देखा जाए तो सारे के सारे मैच इंडिया ने जीते हैं। न्यूजीलैंड उसमें 4 मैच हार चुकी है, तो और क्राउड का भी जो प्रेशर होता है ग्राउंड में, उसको देखते हुए इंडिया ये मैच वन साइड ही जीतेगी। प्लेयर फेवरेट है, सबसे ज्यादा किस प्लेयर पे उम्मीद है? विराट कोहली पे ही है, क्योंकि उसका अभी 50वां शतक भी बचा हुआ है और शमी और बुमराह के ऊपर बड़ा मैच डिपेंड करता है। इंडिया जीतेगा क्योंकि लगातार अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, 9 के 9 मैच जीता हुआ है और सारे बॉलर्स, फील्डर, स्पिनर और अपने ओपनर सारे फॉर्म में है। इसकी नजर से इंडिया को तो आए मैच अच्छे रनों से जीतना चाहिए आज। तो सबसे ज्यादा किस प्लेयर पे उम्मीद है? सारों के प्लेयरों के ऊपर है, बॉलर अपना काम करें, बैट्समैन अपना काम करें, स्पिनर अपनी विकेटें ले, तो मैच अपना आएगा ही आएगा जरूर। जरूर से जरूर, आज तो 2:30 बजे पूरा मैच के देखने बैठ जाएंगे हम तो। आज हम लोग ने ट्रॉफी लाया है, हम लोग इस बार 2023 में हम ही जीतेंगे और अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग की टीम। और आज मैं सिद्धिविनायक जाके आया हूँ, प्रसाद वगैरह लेके आया हूँ, तो सब मन्नत वगैरह मांग के आया हूँ कि अपना ये टीम जीतेगा। आज के मैच के लिए अपनी एक्साइटमेंट दिखाते हुए ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी में रेत कला के जरिए भारतीय टीम को गुड लक विश किया। टीम भारत और न्यूजीलैंड के बीच में होगा, उसके लिए इंटायर वर्ल्ड में हर कोई क्रिकेट फैन वेट के हैं। जिस तरीके से हमारा टीम भारत ने उनका जीत जाहिर रखे हैं, उस तरीके से ये मैच भी वो जीत जाहिर रखे इंटायर टीम भारत। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर 15 फीट का क्रिकेट बैट और उसके साथ स्टेडियम ये रिक्रिएट किए हैं सैंड में, हमारा टीम भारत को बेस्ट विशेस देने के लिए। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में आज के सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया की जीत के लिए अहिल्याबाई घाट पर नमामि गंगे सेवकों द्वारा गंगा आरती की गई। क्रिकेट प्रेमी इस दौरान हाथों में भारतीय खिलाड़ियों की फोटो और बैट लिए नजर आए। हमने यहां मां गंगा से बाबा विश्वनाथ, जो काशी की पौराणिक नगरी है, काशी की जनता के साथ मां गंगा की आरती उतार कर और टीम इंडिया का हौसला बुलंद करने के लिए यहाँ प्रार्थना की है और यह आह्वान किया है कि हम सब मिलकर अपनी टीम इंडिया के अजेय रथ को आगे बढ़ाएं और हम सब मिलकर अपनी भारतीय टीम के हौसले को बुलंद करें। आज के सेमीफाइनल मैच के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी उत्साहित हैं और सभी बस यही चाहते हैं कि टीम इंडिया अपना विजय रथ जारी रखते हुए आज के मैच में भी शानदार जीत दर्ज करे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।